नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बापी रॉय और आपके हमारे चैनल नेटलाइन में आप लोगों को फिर से स्वागत है। हमारे कंप्यूटर की डेटा कैसे भी डिलीट हो सकते हैं, चाहे वो फॉर्मेट करते समय या फिर अदर्स पर्पस भी डिलीट हो सकते हैं, तो हम उस डेटा को किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, आज की इस वीडियो का टॉपिक यही है। आप इस डेटा रिकवरी से आपके सिर्फ कंप्यूटर के हार्ड डिस्क का डाटा को ही रिकवर नहीं कर सकते, या फिर आपके पास अगर पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या फिर अदर्स कोई भी स्टोरेज डिवाइस है तो उसके डिलीट किए हुए डेटा को भी आप रिकवर कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डेटा रिकवर करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर की यूज करेंगे, इस सॉफ्टवेयर का नाम है आई केयर रिकवरी। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके भी आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए इसके साइड में आ जाइए, उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे देख सकते हैं फ्री डाउनलोड। इसका पेड वर्जन भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी बहुत सारे फीचर्स आपको दिया जाएंगे, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे फ्री वर्जन पे ही क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4.6 MB का एक छोटा सा फाइल है, तो आप इसको 40 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। आप इस यहाँ पे देख सकते हैं ये है इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। तो यहाँ पे माई कंप्यूटर के आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू वॉल्यूम डी, यहाँ पे से मेरा डेटा डिलीट हो चुका है, तो इस डेटा को ही मैं लाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसको ओपन करने के बाद देख सकते हैं ये सभी यहाँ पर डेटा अवेलेबल है, तो इन सभी डेटा को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यस, 12 आइटम था। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये अभी इसको रिकवर करना है, तो रिकवर करने के लिए पहले सॉफ्टवेयर पे आ जाइए, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डीप स्कैन रिकवरी, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ड्राइव सिलेक्ट करना है, आपका कौन सा ड्राइव का डेटा डिलीट हो चुका है तो उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये डीप स्कैन कर रहे हैं। तो दोस्तों डीप स्कैन करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका स्टोरेज डिवाइस जितना बड़ा होंगे उतने ही आपको समय लगेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर ये टाइम लेंगे करीब 4.24 मिनट, तो तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीप स्कैन कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज को आप अगर पहले से चेक हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर ये चेक नहीं है तो आप इसको मैनुअली चेक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सारा का सारा डेटा जो आपने डिलीट किया हुआ है वो यहाँ पे आपको शो करेंगे। तो आपको जिन जिन डेटा को जरूरत है तो उनको भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सारा का सारा डेटा को आप एक साथ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट ऑल, यहाँ पे क्लिक करते हैं सारा का सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के साथ ही साथ आप इन डेटा को कहाँ पे रखेंगे, तो आप जिन ड्राइव पे से इस सारा का सारा डेटा डिलीट हो चुका है उस पे आप नहीं रख सकते हैं, आपको अदर्स प्लेस पर इन सभी डेटा को रखना पड़ेगा। तो हमारे ड्राइव डी पे से इन सभी डेटा डिलीट हो चुके हैं, तो मैं अलग एक ड्राइव पे इन सभी डेटा को सेव कर दूंगा। तो ऐप को चूज कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं। तो देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, देखिए यहाँ पर आपका ड्राइव ऐप पर ये सेव हो चुका है। तो मैं यहाँ पर देखिए ओपन सेव पैटर्न, यहाँ पे क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर देता हूँ। तो देखिए आपका न्यू वॉल्यूम ऐप पे क्या इस फाइल सेव हो चुका है, 1FAT32 इस नाम का एक फोल्डर में ये सभी के सभी डेटा सेव हो चुका है। तो दोस्तों आप ऐसे ही बहुत ही आसानी के साथ आपके डिलीट हुए किसी भी डेटा को रिकवर कर सकते हैं, चाहे हो वो आपका कंप्यूटर का हार्ड डिस्क हो या फिर पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, आपका कैमरा, वीडियो कैमरा, किसी भी टाइप के स्टोरेज डिवाइस से आप डिलीट किए हुए डेटा को रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों और वीडियो अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, सीखिए और जानिए नेटलाइन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।